आज कबड्डी में यिम्बाउर हरियाणा स्टीलर का मैच खेला गया, जिसमें हरियाणा अभी आगे दिखाई दे रही है। यू मुंबा के 20 पॉइंट है, जबकि हरियाणा के 23 पॉइंट है। यू मुंबा ने रेड पॉइंट 12 लिए, जबकि हरियाणा स्टीलर ने रेड पॉइंट 14 लिए। यू मुंबा ने एक भी सुपर रेड नहीं मारी, जबकि हरियाणा ने एक सुपर रेड ली। यू मुंबा ने 60 टैकल पॉइंट लिए और हरियाणा ने 60 टैकल पॉइंट लिए। दोनों ने टैकल पॉइंट बराबर है। यू मुंबा एक भी बार ऑल आउट नहीं कर पाई हरियाणा को। हरियाणा ने एक बार ऑल आउट कर लिया, इसीलिए हरियाणा के पास ऑल आउट पॉइंट 2 है। यू मुंबा को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है, जबकि हरियाणा को एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिला है। सिद्धार्थ देसाई ने 5 रेड पॉइंट लिए हैं। चंदन रंजीत ने 2 रेड पॉइंट लिए हैं। जयदीप ने 4 टैकल पॉइंट लिए हैं। विनय ने 3 रेड पॉइंट लिए हैं। राहुल फेतपाल ने 2 टैकल पॉइंट लिए हैं और एक बोनस पॉइंट भी लिया है। मोहित ने 1 टैकल पॉइंट लिया है। इसी प्रकार हरियाणा स्टीलर्स की टीम आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, तो देखते हैं कौन सी टीम ज़्यादा आगे चलती है। हरियाणा की टीम बहुत मैच जीतती है या फिर हरियाणा की टीम जीत जाती है। इसी में यू मुंबा के स्टार रेडर जिन्होंने डेब्यू किया था सिद्धार्थ देसाई, वो भी हरियाणा स्टीलर में है, विपक्ष में खेल रहे हैं और अभी हरियाणा 3 पॉइंट की बढ़त बना रखी है। ये किस प्रकार 4 रेड बोनस लिए है, टोटल पॉइंट 2 है। इकरामी ने कुछ भी नहीं खेले हैं। गिरीश एडना अभी बाहर बैठे हुए हैं। देखते हैं कौन सा टीम का पलड़ा भारी है और कौन सा टीम मैच जीतती है। दोस्तों ऐसे ही रोज़ की तरह मैच देखना चाहते हो तो हमारे चैनल बयाजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट मिल जाए। एक स्कोर कार्ड इस तरफ है। जफार डनचेंट ने 4 रेड पॉइंट लिए हैं, जिनमें 2 बोनस है, टोटल 6 पॉइंट इनके हो चुके हैं। कमान सिंह ने 4 रेड की है और 4 रेड पॉइंट लिए हैं, टोटल पॉइंट 4 है। रिंकू ने 3 टैकल पॉइंट लिए हैं, टोटल 3 टैकल किए हैं। सोमबीर ने 2 टैकल पॉइंट और एक बोनस लिया है, उनके भी तुल 3 पॉइंट है। महेंद्र सिंह ने 1 टैकल किया है, उनके कुल 1 टैकल पॉइंट है। अली रेजा ने 2 बोनस लिए हैं, टोटल पॉइंट 2 है। इकरामी ने कुछ भी नहीं खेले हैं। गिरीश एडना अभी बाहर बैठे हुए हैं। देखते हैं कौन सा टीम का पलड़ा भारी है और कौन सा टीम मैच जीतती है। दोस्तों ऐसे ही रोज़ की तरह मैच देखना चाहते हो तो हमारे चैनल बयाजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट मिल जाए। एक स्कोर कार्ड इस तरफ है। जफार डनचेंट ने 4 रेड पॉइंट लिए हैं, जिनमें 2 बोनस है, टोटल 6 पॉइंट इनके हो चुके हैं। कमान सिंह ने 4 रेड की है और 4 रेड पॉइंट लिए हैं, टोटल पॉइंट 4 है। रिंकू ने 3 टैकल पॉइंट लिए हैं, टोटल 3 टैकल किए हैं। सोमबीर ने 2 टैकल पॉइंट और एक बोनस लिया है, इनके भी तुल 3 पॉइंट है। महेंद्र सिंह ने 1 टैकल किया है, इनके कुल 1 टैकल पॉइंट है। अली रेजा ने 2 बोनस लिए हैं, टोटल पॉइंट 2 है। इकरामी ने कुछ भी नहीं खेले हैं।
गिरीश एडना अभी बाहर बैठे हुए हैं। देखते हैं कौन सा टीम का पलड़ा भारी है और कौन सा टीम मैच जीतती है। दोस्तों ऐसे ही रोज़ की तरह मैच देखना चाहते हो तो हमारे चैनल बयाजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट मिल जाए। ये गिफ्ट कार्ड इस तरफ है। जफार डनचेंच ने 4 रेड पॉइंट लिए हैं जिनमें 2 बोनस है, टोटल 6 पॉइंट इनके हो चुके हैं। कमान सिंह ने 4 रेड की है और 4 रेड पॉइंट लिए हैं, टोटल पॉइंट 4 है। रिंकू ने 3 टैकल पॉइंट लिए हैं, टोटल 3 टैकल किए हैं। फ्रम्बियन ने 2 टैकल पॉइंट और 1 बोनस लिया है, इनके भी तुल 3 पॉइंट है। महेंद्र सिंह ने 1 टैकल किया है, इनके कुल 1 टैकल पॉइंट है। अली रेजा ने 2 बोनस लिए हैं, टोटल पॉइंट 2 है। इकरामी ने कुछ भी नहीं खेले हैं। गिरीश एडना अभी बाहर बैठे हुए हैं। देखते हैं कौन सा टीम का पलड़ा भारी है और कौन सा टीम मैच जीतती है। दोस्तों ऐसे ही रोज़ की तरह मैच देखना चाहते हो तो हमारे चैनल बयाजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट मिल जाए। ये गिफ्ट कार्ड इस तरफ है। जफार डनचेंच ने 4 रेड पॉइंट लिए हैं जिनमें 2 बोनस है, टोटल 6 पॉइंट इनके हो चुके हैं। कमान सिंह ने 4 रेड की है और 4 रेड पॉइंट लिए हैं, टोटल पॉइंट 4 है। रिंकू ने 3 टैकल पॉइंट लिए हैं, टोटल 3 टैकल किए हैं। फ्रम्बियन ने